तो दोस्तों अगर आपके 10 या 50 व्यूज आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीडियो की SEO कैसे करनी है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। मोबाइल को यूज करते हुए आप वीडियो की SEO करना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप अपनी वीडियो की SEO करना सीख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, तो आपने क्या करना है कि YouTube को ओपन कर लेना। चलिए हम यहाँ पे YouTube को जैसे हम ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मैं YouTube को ओपन करता हूँ। जैसे आप YouTube को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे सर्च पे लिखना है जो भी आपका टॉपिक है। आप कुकिंग के वीडियो बना रहे हैं, आप व्लॉग की वीडियो बना रहे हैं, आप टेक की वीडियो बना रहे हैं, वो आपने टॉपिक यहाँ पे सर्च करना है। आईडी को लॉगिन कर लेनी है, तो आईडी से नहीं करना, आईडी को लॉगिन कर लेनी जैसे मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाना है। तो हमारा जो टाइटल होगा यहाँ पे देखें, व्यूज़ कैसे बढ़ाना है यूट्यूब पर, ये हमारा टाइटल है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे कॉपी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा व्यूज़ कैसे बढ़ाना है यूट्यूब पर, तो हमने इस पर सर्च कर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टाइटल होगा। अब हमने इसको क्या कर देना है, इसको हमने कॉपी करना है। इसको कॉपी के जैसे आप करेंगे तो आपने क्या कर देना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। चलिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो वेबसाइट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो वेबसाइट का आपने यहाँ पर सर्च करनी है, स्पेलिंग का आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ टैग जनरेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो शॉर्ट टाइटल है जिस पे आप वीडियो बना रहे हैं वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि व्यूज़ कैसे बढ़ाना है, तो यहाँ पे मुझे वो कीवर्ड निकाल के देगा जो सर्च किए जा रहे हैं यूट्यूब पर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो व्यूवर्स उल्टा सीधा सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सब यहाँ पे मुझे शो हो गए हैं। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये मेरे के जो है कि टैग हो गए। अब टैग को मैंने कॉपी करना है। अब टैग को मैंने क्या करना है, यहाँ से नीचे देखें आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा आप। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है कलर नोट, ये आपने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इसको डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, अलाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना और आपके सामने प्लस आइकन का ऑप्शन आएगा, प्लस आइकन पे क्लिक कर देना और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जो हमने टाइटल कॉपी किया था, जो हमने टैग कॉपी किया था, वो हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और ये हमारा हो गया, टैग हो गया। उसके बाद हम टाइटल भी कॉपी करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो जितने भी थे टैग हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इसके लिए आपने बैक करना है, ये सेफ हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर देना है, टाइटल के एक सर्च करना है, टाइटल सर्च करके हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से ये हमारा टाइटल है, इसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। ये सर्चिंग टाइटल है, ज़्यादातर ये यूट्यूबर सर्च कर रहे हैं, जो न्यू यूट्यूबर हैं, व्यूज़ कैसे बढ़ाना है 2023, ये ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं। तो हमने क्या करना है, एक टाइटल यहाँ से लेना है और यहाँ से हमने इसको पेस्ट करके बैक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अब हमारा ये टैग भी हो गया, टाइटल भी हो गया। अब हमने डिस्क्रिप्शन के लिए एक यानी डिस्क्रिप्शन है, आपको हमने कैसे करनी है वो भी मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये कीवर्ड से नज़र आ रहे हैं, इससे भी आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। जो यहाँ पे आपको डॉट नज़र है वो आपने हटाना होगा। अब आपने कैसे हटाना है, तो हमने क्या कर देना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को दोबारा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने उसी वेबसाइट पर जाना है और शॉर्ट टाइटल देना है। शॉर्ट टाइटल देके यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बैक आके ये सेफ खुद ही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो आपको यहाँ पे छोटे से डॉट नज़र आ रहे हैं तो ये आपने हटा लेने हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 12-13 मिनट की वीडियो बन जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने इसको कैसे हटाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे डॉट नज़र आए तो ये आपने हटा देना है, बैक कर देना है। फिर यहाँ पे भी देखें आपको कुछ यहाँ पे डॉट नज़र आए तो ये भी आपने हटा देना है। नीचे आएंगे वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा नज़र आएंगे, वो भी आपने हटा देना है। तो यहाँ से भी हटा दे, उसके बाद यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे हटा के फिर स्पेस देना, उसके बाद यहाँ पे आपने बैक करके इसको सेव करना। तो यहाँ पे हमारा टाइटल भी तैयार हो गया और हमारा डिस्क्रिप्शन और टैग भी हमारा तैयार हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।